हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्टेशनरी सॉल्यूशन चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले स्टेशनरी कंप्लायंस टू डेट्स अक्टूबर 2023। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ टाइम लिए आपका। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट हमारी जो रिटर्न आती है वो 5 अक्टूबर 2023 को आती है, जो LWF केरला मंथली होता है। फिर हमारी जो रिटर्न आती है 15 अक्टूबर 2023 EPF इम्पैक्ट 952 मंथली डिपॉजिट PF कंट्रीब्यूशन। फिर हमारी जो नेक्स्ट रिटर्न आती है 15 अक्टूबर 2023 EPF इम्पैक्ट 952 इंटरनेशनल वर्कर रिटर्न। फिर हमारी आती है 25 अक्टूबर 2023 EPF इम्पैक्ट 952 फॉर्म 7 एब्सेंट एम्प्लॉय अंडर इडलाई। तो ये हमारे 3 EPFO की रिटर्न्स होती हैं, जो 2 सभी में मैंडेटरी होती है, जो 3rd वाली होती है वो डिपेंड करता है आपकी कंपनी इडलाई में एग्जेम्प्टेड है या नहीं। तो ऑलरेडी जो ऊपर वाले दोनों वीडियो हैं मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं, और जो आप आसानी से अपनी मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन जमा कर सकते हैं और अपना IW रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं। फिर हम चलते हैं 15 अक्टूबर 2023 SIC एक्ट 1948 मंथली डिपॉजिट SIC कॉन्ट्रीब्यूशन। तो टाइम पे आपको SIC कॉन्ट्रीब्यूशन जमा करना है, और जिस वजह से आपके जो एम्प्लॉय वर्कर काम करते हैं उनको टाइमली उनको बेनिफिट मिले, क्लेम में उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। फिर आता है 10 अक्टूबर 2023 प्रोफेशनल टैक्स आंध्र प्रदेश मंथली। फिर 10 अक्टूबर 2023 प्रोफेशनल टैक्स मध्य प्रदेश मंथली। 10 अक्टूबर 2023 प्रोफेशनल टैक्स तेलंगाना। फिर 15 अक्टूबर 2023 प्रोफेशनल टैक्स गुजरात। फिर 20 अक्टूबर 2023 प्रोफेशनल टैक्स कर्नाटका। फिर हमारी नेक्स्ट रिटर्न आती है 21 अक्टूबर 2023 प्रोफेशनल टैक्स वेस्ट बंगाल मंथली। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट मंथली रिटर्न्स है। फिर आता 28 अक्टूबर 2023 प्रोफेशनल टैक्स गुवाहाटी। फिर 28 अक्टूबर 2023 प्रोफेशनल टैक्स मेघालय। फिर आता 30 अक्टूबर 2023 प्रोफेशनल टैक्स उड़ीसा। फिर 31 अक्टूबर 2023 प्रोफेशनल टैक्स महाराष्ट्र। फिर 31 अक्टूबर इम्प्लॉयमेंट एक्सेस ER1 रिटर्न क्वार्टरली रिटर्न्स। तो दोस्तों, ऊपर जो जितनी भी थी वो पीटेक्स की मंथली रिटर्न्स थी, तो आपको टाइमली फाइल करना और टाइमली आपको पेमेंट करना। फिर जो क्वार्टरली रिटर्न आती है एम्प्लॉयमेंट एक्सेस रिटर्न्स पे, मैंने एक्ट के बारे में बताया, कैसे रिटर्न बनानी है वो भी बता रखा, और ऑनलाइन कैसे रिटर्न फाइल करनी है हरियाणा में उस पे भी वीडियो बना रखा है। लिंक सब डिस्क्रिप्शन में या आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हो। फिर आता है 15 अक्टूबर 2023 LWF हाफ ईयरली पंजाब का, सेम चंडीगढ़ में भी। तो ये आपको टाइमली जो हाफ ईयरली क्वार्टरली रिटर्न होती है उनको ध्यान रखना होता है, और टाइमली आपको पेमेंट करके आपको रिटर्न सबमिट करनी होती है, तो ये ध्यान रखना। फिर आता है 15 अक्टूबर 2023 द फैक्ट्री एक्ट 1948 वेस्ट बंगाल में क्वार्टरली रिटर्न आती है फॉर्म 3 23A। फिर 31 अक्टूबर 2023 द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 क्वार्टरली रिटर्न फॉर्म अप्रेंटिसशिप 1। तो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट ड्यू डेट्स हैं जो आपको टाइमली कंप्लायंस फॉलो करनी है। बेसिकली कुछ डेट चेंज भी हो सकती हैं अगर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो अब कुछ स्टेट या फैक्ट्री में अदर्स और भी कंप्लायंसेस होती हैं, तो बेसिकली वो लोकल अथॉरिटी है उसे कॉन्टैक्ट करके आप पूछ सकते हैं इसके अलावा और क्या कंप्लायंसेस करनी है। इनकेस कुछ भी आपको क्वारी हो, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कॉमेंट के थ्रू, या आप हमें मेल आईडी के थ्रू भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक कॉमेंट और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।